मध्य प्रदेश के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंघाना के छात्र छात्राओं ने मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने अतिथि अध्यापक प्रमोद चौहान पर आरोप लगाए। बच्चों ने कहा कि अध्यापक द्वारा हमें डराया जाता था और वे कहते हैं कि तुम सभी छात्र छात्रा मेरे पास कोचिंग लगाएंगे, नहीं तो मैं आप सभी को छात्रों को परीक्षा में फेल कर दूंगा। उन्होंने कहा कि स्कूल में आए दिन छात्र छात्राओं को बेवजह से प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें पीटा जाता है। पूर्व में भी छात्र छात्राओं ने प्राचार्यों को एक ज्ञापन दिया था, मगर उसे ना हटाने को लेकर आज छात्र छात्राओं ने स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्राचार्य द्वारा पुलिस व स्कूल की समिति के सदस्यों को बुलाकर अतिथि शिक्षक प्रमोद चौहान को हटाने का निर्णय लिया। तब जाकर छात्र छात्रा धरने से उठे व प्राचार्य द्वारा वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी को अतिथि शिक्षक को हटा देने का पत्र लिखा गया। नाम है आपका और कौन सी क्लास में? अमृता मोहन। आपने किस संबंध को लेके ज्ञापन दिया है? मतलब प्रमोद सर हमें ठीक से पढ़ाते नहीं, मतलब उनकी पढ़ाते समय आवाज़ नहीं आती और वो मतलब कोचिंग के लिए बोलते रहते हैं, अगर कोचिंग आओगे तो नंबर नहीं दूंगा, प्रैक्टिकल में नंबर काटूंगा, ये बोलते सर। स्कूल में इस तरह से और भी कई हरकत? हाँ सर, मतलब अभी एक रोज एक लड़का मतलब लिख नहीं रहा था तो उन्होंने उसको मारा। मतलब सर जिसकी मर्जी वो लिख रहा, जिसकी मर्जी नहीं है वो नहीं लिख रहा, जिसको नहीं पढ़ाई करना वो नहीं लिख रहा, तो सर ने उसको मारा भी। क्लास में मेरा नाम अभिषेक मसानी है और मैं क्लास 12 नंबर। किस संबंध को लेकर आपने धरना दिया था? सर प्रमोद चौहान सर, प्रमोद चौहान सर के। क्या कारण कि आपको धरना देना? सर का बात करने का तरीका और सर बच्चों को पकड़ी धरने से डराने धमकाने की बात करते हैं और फेल कर दूंगा, ये सब कुछ बोल रहे थे। बच्चों को जबरन मारते हैं। कब से कर रहे थे ये? कहीं भी जब से स्कूल स्टार्टिंग हुई तब की बात है। और इसकी शिकायत वगैरह की थी क्या? पहले बोला था स्कूल में पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे, घूमते भी नहीं कोई। कुछ समय पहले ज्ञापन भी दिया था? हाँ ज्ञापन अभी 3-4 दिन पहले ही दिया, क्योंकि अभी हद हो गई थी तो पहले इतना ही नहीं था। सभी बच्चों के साथ करते हैं इस तरह के व्यवहार की? हाँ सभी बच्चों के साथ करते हैं, पर बच्चे डरते हैं उनसे। किस पद पे है वो सर? क्या हुआ? किस पद पे है सर? अतिथि। सर नाम बता दे किस पद पे? सीएल तन्वे प्राचार्य। सर आज ये बच्चों ने धरना दिया किस कारण धरना दिया? ये प्रमोद चौहान के संबंध में जो है शिकायत की गई थी और शिकायत में जो है बताया था कि उसके बिंदु दिए थे कि इनके द्वारा जो है हमारे साथ जो है फेल करने की और इस तरह की जो है चर्चा की गई थी, एस एल सी दे देंगे आपको उसको संभाल। इस संबंध में जो है ज्ञापन दिया गया था और ज्ञापन के लिए ज्ञापन दिया उसके संदर्भ में जो है बी ओ साहब द्वारा जो है जाँच कर जो है प्रतिवेदन वरिष्ठ को भेज दिया था। उसके बाद जो है विद्यालय समिति द्वारा भी जो है उस पर कार्रवाई करते हुए जो है आज जो है उनको अध्यापन कार्य से जो है मुक्त रखा गया, मुक्त कर दिया। आज से सर मुक्त कर दिया गया जी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।